हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल कवर चैप्टर नंबर सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 और क्लास 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में। तो विंडोज 7 होता क्या है, तो इसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ विंडोज। इवोल्यूशन मतलब उसकी क्रांति कैसे कैसे मतलब कैसे हुई, कैसे कैसे वो उसका इवोल्यूशन होते गया। चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर, डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, अप्लाइंग द स्क्रीन शेवर अप्लाई कैसे करते हैं, चेंजिंग डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। माइक्रोसॉफ्ट गॉट इट स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप ऑफ बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन 1975। जो माइक्रोसॉफ्ट जो मिला है कब मिला है, 1975 में। कब स्टार्ट हुआ था 1975 में, किसने स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप में हुआ था बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच में। इट बिकम अ फेमस विद द रिलीज ऑफ MS-DOS। इन्होंने क्या किया था, जब MS-DOS बनाया था वो रिलीज हुआ था, तब ये जो दोनों साइंटिस्ट है वो क्या हुए थे, फेमस हुए थे। और उस टाइम MS-DOS बहुत ज़्यादा फेमस था। A text-based operating system, after some time it was released that using a hand user device on a picture is more effective as compared to give instructions through the typing। देखो ये text-based operating system है जहाँ पे अपन टाइप कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे अपन word text टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में देखो कि वो handle use कर सकते हैं, उसको अपन handle use कर सकते हैं, उसमें picture भी apply कर सकते हैं, ऐसे more effective था वो उस time पे। और देखो उसके साथ हम उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते थे और दे सकते हैं, अभी भी वो यूज़ होता है विंडोज 7। सो कंपनी वर्कड ऑन द फर्स्ट वर्जन ऑफ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंपनी ने जो फर्स्ट वर्जन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था विंडोज 7, तो उसको कहा जाता था विंडोज, तब से उसको कहा गया है विंडोज, और उसको इंटरफेस मैनेजर भी कहा जाता है। देर आर अ ड्रॉप डाउन मेनू, जो उसमें बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेनूज रहते हैं। ड्रॉप डाउन इन द सेंस, ड्रॉप डाउन मीन्स जो ड्रॉप एरो में शो करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। वहाँ पे स्क्रोल बार का यूज़ किया गया था, आइकॉन का यूज़ किया गया था, डायलॉग्स बॉक्स का यूज़ किया गया था। डायलॉग्स बॉक्स दैट मेक अ प्रोग्राम्स ईजियर टू लर्न एंड यूज। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ड्रॉप डाउन के थ्रू हम स्क्रोल बार का यूज़ करते थे, आइकॉन का यूज़ करते थे, डायलॉग्स बॉक्स का यूज़ करते थे, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन शो करने के लिए डायलॉग्स बॉक्स आता है, उसको हम बोलते हैं डायलॉग्स बॉक्स। आफ्टर दिस मेनी वर्जन ऑफ विंडोज डेवलप्ड इन विच द विंडोज 95 बिकम द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ लेटर डिकेड ऑफ 90s। तो ये क्या हुआ था, ये ऐसे बहुत सारे वर्जन आए थे, लेकिन ये विंडोज 7 डेवलप हुआ था कब, विंडोज 95 के टाइम, विंडोज 95 के टाइम। और एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये 90 के डिकेड में हुआ था, मतलब 90s के दशक में हुआ था, है ना। द लेटेस्ट रिलीज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज आर, अभी जो लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कौन से है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है ना। तो जो हमारे पास भी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 7 है, विंडोज 10 भी है, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं। ड्यू टू देयर यूजर फ्रेंडली फैसिलिटी दिस वर्जन आर वेरी पॉपुलर इन यूज़र। ये बहुत इसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी और ये बहुत पॉपुलर वर्जन था विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द विंडोज 7, द यूनिक एंड साइलेंट फीचर ऑफ विंडोज 7। इसमें ऐसे एक मतलब ऐसे यूनिक फीचर्स है, साइलेंट फीचर है जो इजीली हम काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस फीचर्स, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एज इट्स सिक्योरिटी फीचर आर अ गुड। उसके जो सिक्योरिटी फीचर थे वो बहुत अच्छे थे और मोर रिलायबल थे। यू कैन यूज अ डेस्कटॉप विद अ न्यू थीम, स्लाइड शो और गैजेट्स। और इसमें क्या क्या था कि उसके डेस्कटॉप में हम यूज़ कर सकते थे न्यू थीम, यूज़ कर सकते थे स्लाइड शो, यूज़ कर सकते हैं और गैजेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट वर्क वेरी फास्ट एंड द मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ इट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे क्या होता था कि जो मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं वो बहुत अच्छी होती थी और बहुत ज़्यादा फास्ट भी वो वर्क करता था। क्या मेमोरी मैनेजमेंट, जंप लिस्ट इन अ विंडोज 7 टेक यू डायरेक्टली टू रिसेंट ओपन द प्रोग्राम।
जब हम विंडोज 7 ओपन करते हैं तो हमको डायरेक्टली जो रिसेंट प्रोग्राम्स है वो हमको ओपन करते, जब भी हम ओपन करते हैं तब विंडोज 7 हमको रिसेंटली जो ओपन प्रोग्राम है वो हमको मिलते हैं। इट मेंटेन अ वर्किंग एनवायरनमेंट इन अ पर्सनलाइज्ड वे थ्रू अ मल्टी यूजर सपोर्ट। ये मेंटेन करता है ना पर्सनलाइज्ड वे में, इसको मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे एक साथ सिस्टम अपन यूज कर सकते हैं, मतलब वन बाय वन कनेक्ट है ना, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। आइकॉन्स कैन बी व्यू इन इजी वे एंड कैन बी पिन एट अ यूजर बीच। देखो आइकॉन को हम पिन भी लगा सकते हैं, कैसे कि जैसे मुझे कोई भी अगर एक आइकॉन ओपन करना है, जैसे मुझे कंप्यूटर्स का आइकॉन, माय कंप्यूटर्स का अगर आइकॉन पिन लगा के रखना है तो कैसे कर सकते हैं कि टेक्स्ट बार पे हम उसको पिन लगा के रख सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को पिन लगाते हैं इन द सेंस कंप्यूटर में अगर पिन लगाते हैं तो वो डेस्कटॉप टास्क बार पे पिन हो जाती है, वो वहाँ से गायब नहीं होती, इधर इधर मूव नहीं होती, तो हम डायरेक्टली फिर टास्क बार से स्टार्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ अ ग्राफिक्स मेक विंडोज 7 आर अ मोर अट्रैक्टिव। जो विंडोज 7 है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ वेरियस वेबसाइट रिलेटेड टू अ डिफरेंट टॉपिक्स। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे वेरियस वेबसाइट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू अ एनवायरनमेंट आर अवेलेबल विंडोज 7 लाइक अ गेम और म्यूजिक और गैजेट। यहाँ पे देखो बहुत सारे थिंग्स मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से गैजेट है, गेम्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए हम ऐसे बहुत सारे जो गैजेट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम देखने वाले हैं चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर, वॉलपेपर को कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्टली हम डेस्कटॉप पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ओके, ये राइट क्लिक हो गया। राइट क्लिक मतलब माउस पे राइट क्लिक करेंगे। जो माउस की बटन होती है, ये जो बटन होती है इसको हम इस साइड के बटन को क्लिक करेंगे। ओके, सो ये जो इसमें एक ऑप्शन ओपन हो जाता है वो क्या हो जाता है, पर्सनलाइज ऑप्शन पे। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। वॉलपेपर इज अ पिक्चर दैट अपीयर यू डेस्कटॉप बीनीथ अ द आइकॉन। क्या हो रहा है, कुछ आइकॉन्स अपीयर हो रहे हैं ना, तो उसको हम उसी को वॉलपेपर में हमको चेंज करना है, मतलब वॉलपेपर को चेंज करना है, मतलब ये जो बैकग्राउंड आता है उसको हमको चेंज करना है। यू कैन चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप। जो स्टेप दी गई है उनके हिसाब से उनको चेंज करना है। सो फर्स्टली राइट क्लिक है ना, राइट क्लिक करना है। उसके बाद में पर्सनलाइज ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, एंडिंग में ये पर्सनलाइज ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। पर्सनलाइज डायलॉग्स बॉक्स विल बी अपियर। पर्सनलाइज डायलॉग्स बॉक्स अपियर हो गया। देन क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब देखो ये जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है इस पर क्लिक कर दो। ओके, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक हो गया। विंडोज शो वेरियस बैकग्राउंड पिक्चर विल बी ओपन। विंडोज में बहुत सारे बैकग्राउंड पिक्चर ओपन हुए दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे वेरियस टाइप ऑफ बैकग्राउंड है। तो देखते ही ये जो आइस का जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सेव चेंजेस कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन है सेव चेंजेस का। सेव चेंजेस को करने के बाद देखो कि हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया है, देखो है ना। तो इसके पहले कुछ और अलग था और इसके बाद में कुछ अलग वॉलपेपर आया है। तो ये है वॉलपेपर चेंज करने की प्रोसेस। तो पहले क्या किया हमने, पहले हम पर्सनलाइज में गए, देन उसके बाद में हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्लिक किया, एंड देन उसके बाद में हमने क्या किया, एक वॉलपेपर सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस कर दिया, तो वो वॉलपेपर हमारे बैकग्राउंड पे आ गया। सो ये थी डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने की प्रोसेस। देन नेक्स्ट अप्लाई इन द स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन सेवर कैसे अप्लाई करते हैं, ओके, देन देखो इसमें इसको पूरे स्लाइड में भी इसको चेंज कर सकते हैं। किसको, ये पूरे स्लाइड में इसको चेंज कर सकते हैं। ऑल सिलेक्ट ऑल एंड सेव चेंजेस, तो वो सब चीज़ें बैकग्राउंड पे चेंज होती जाएगी। सो मतलब हम स्लाइड फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। देन देखो उसके बाद में अप्लाइंग द स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन सेवर का कैसे अप्लाई करते हैं, स्क्रीन सेवर इज मूविंग पिक्चर विद द अपीयर व्हेन अ कंप्यूटर बिकम आइडियल व्हेन यू प्रेस द की और मूव द माउस द कंप्यूटर बिकम एक्शन अगेन एंड सेव स्क्रीन सेवर डिसअपीयर। यू शुड फॉलो द गिवन स्टेप फॉर अ
अप्लाइंग द स्क्रीन सेवर। तो क्या होता है देखो, स्क्रीन सेवर क्यों आता है स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर देखो, हमने बहुत टाइम तक हमने कंप्यूटर हमारा ऑन है और हमने यूज़ नहीं किए, तो उस टाइम में क्या होता है कुछ बबल्स टाइप का आता है क्या, वो मतलब काम नहीं करता, थोड़े देर के लिए काम नहीं करता, इन द सेंस जब हमने टाइपिंग या कुछ किए ही नहीं तो उसमें क्या चेंजेस आने वाला है, नहीं आएगा। तो कुछ टाइम तक अगर अपन कंप्यूटर अप्लाई नहीं यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, स्क्रीन सेवर की प्रोसेस ऑटोमेटिक आ जाती है अगर आप स्क्रीन सेवर की प्रोसेस लगा के रखते हो तो। तो देखते हैं इसका अप्लाई कैसे होता है। तो फर्स्ट नियम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज अ पर्सनलाइज ऑप्शन। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज़ किया। देन सेटिंग स्क्रीन सेवर, अब स्क्रीन सेवर की सेटिंग दिख रही है क्या आपको इन ऑप्शन में, यस, ये देखो लास्ट सेटिंग है स्क्रीन सेवर की, स्क्रीन सेवर ऑप्शन इन द पर्सनलाइज डायलॉग्स बॉक्स, अ स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर। अब स्क्रीन सेवर ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, ये डायलॉग्स बॉक्स दिख रहा है। देखो ये जो दिख रहा है ये स्क्रीन सेवर का एग्जाम्पल है, ये क्या है, स्क्रीन सेवर का एग्जाम्पल है। देन सिलेक्ट द डिजायर स्क्रीन सेवर फॉर अ, देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये स्क्रीन सेवर के ऑप्शन दिए हैं, 3D, ब्लैक, बबल्स, मस्टिफाई, माइस्टिफाई, फोटोज, रिबन्स, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है। तो जैसे कि हमने अगर यहाँ से बबल्स का सिलेक्ट करेंगे तो वो बबल्स का स्क्रीन सेवर शो करता है। तो हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके, स्क्रीन सेवर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके बबल का ऑप्शन चूज कर दिया। अब क्या हो रहा है, As you select the screen saver, the related preview will be displayed on the small desktop. अब देखो प्रीव्यू आप कर सकते हो, दिख रहा है क्या, ये हुआ स्क्रीन सेवर ऑफ एग्जाम्पल। टू अपियर यू नेम एज अ स्क्रीन सेवर, तो अभी ये आपको स्क्रीन सेवर में दिख रहा है 3D टेक्स्ट में, तो हमने 3D टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे बबल्स टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो बबल्स का आ रहा है। देन अब क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाके इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड ओके कर देंगे, तो वो स्क्रीन शेवर का ऑप्शन आ जाता है। तो ये स्क्रीन शेवर कब होता है, स्क्रीन शेवर जब होता है जब हम बहुत टाइम तक कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, तब ऑटोमेटिक स्क्रीन शेवर का ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे कि हमने 3D टेक्स्ट ओपन किया, हमने प्रीव्यू दिखा है, तो ये 3D टेक्स्ट का प्रीव्यू आ रहा है। देन उसके बाद में हम दिखा रहे बबल्स ब्लैंक, देन प्रीव्यू, तो ये ब्लैंक का प्रीव्यू है। से बहुत सारे टाइप्स हैं स्क्रीन सेवर में। उसके बाद है चेंजिंग डेट एंड टाइम। तो देखो डेट और टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर शो डेट एंड टाइम ऑन द नोटिफिकेशन एरिया। कंप्यूटर क्या करता है, जो नोटिफिकेशन एरिया में डेट एंड टाइम शो करता है। तो देखो डेट एंड टाइम कहाँ पे हमको शो कर रहा है, टास्क बार पे हमको डेट एंड टाइम शो कर रहा है, हो रहा है। तो देखो ये क्या हुआ, ये टास्क बार है हमारी टोटल, और ये राइट हैंड साइड में कॉर्नर में हमको डेट एंड टाइम शो कर रहा है। कंप्यूटर शो डेट एंड टाइम ऑन द नोटिफिकेशन एरिया प्रेजेंट एट द बॉटम राइट साइड ऑन द स्क्रीन, यही है राइट है। यू कैन चेंज डेट एंड टाइम बाय फॉलोइंग स्टेप, हम डेट एंड टाइम दिए गए स्टेप से चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्टली क्लिक ऑन अ आइकॉन, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये जो क्लॉक का जो आइकॉन है इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखो आपको शॉर्टकट मेनू विल अपीयर, ये जो मेनू है ये अपीयर हो गया। देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम एडजस्ट एंड टाइम, तो यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम की सेटिंग दी है, तो हम चेंज डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कर देते हैं। देन क्लिक ऑन द एडजस्ट डेट एंड और टाइम ऑप्शंस इज अ शॉर्टकट मेनू, और डेट एंड टाइम डायलॉग्स बॉक्स विल बी अपीयर। तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कर देंगे, और जो भी हमको टाइम अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कि 13, 17 एंड 44 ऐसे इस टाइप में दिया है, और यहाँ पे डेट भी दी है ना, ये क्या हुआ, ये टाइम हुआ और ये डेट हुआ। देन उसको ओके कर दे, तो ये हमारी डेट एंड टाइम यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। तो हम डेट और टाइम को भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल इज अ विंडो बाय, सो कंट्रोल पैनल
कंट्रोल पैनल इज अ विंडो बाय विच यू कंट्रोल अ वेरियस डिवाइस एंड फंक्शन. कंट्रोल पैनल ये विंडोज, ये क्या करता है, ये विंडोज को कंट्रोल करने का काम करता है और डिवाइस को एंड फंक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करता है. इट इज़ द स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एक स्टैंडर्ड फीचर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो कंट्रोल पैनल के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि यू शुड फॉलो दी स्टेप्स टू ओपन द कंट्रोल पैनल. तो देखो कैसे, कौन से स्टेप में वो कंट्रोल पैनल ओपन होता है. तो फर्स्ट ही देखते हैं, जैसे ये विंडोज़ बटन है, तो विंडोज़ बटन में यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है. देखो ये क्या है हमारे, ये एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन के जस्ट साइड में, राइट हैंड साइड में हमको दिखेंगे कंट्रोल पैनल. ये हुआ हमारा कंट्रोल पैनल. यू शुड फॉलो दी स्टेप्स ओपन द कंट्रोल पैनल. फर्स्टली स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द पैनल, कंट्रोल पैनल ऑप्शन. हमने क्या किया, फर्स्टली हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया. उसके बाद हमको ये ऑप्शन अपीयर हुआ, मेनू अपीयर हुआ, एंड देन उसके बाद कंट्रोल पैनल पे हमने क्लिक किए. तो इतने सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं. सो कंट्रोल पैनल को इस तरीके से ओपन करते हैं. यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे और ये एप्लीकेशन हमारे बहुत काम के होते हैं. तो कंट्रोल अ विंडोज विल बी अपियर अ लॉट ऑफ आइकॉन्स. बहुत सारे यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं, लॉट ऑफ आइकॉन्स बाय विच यू कैन डू वेरियस वर्क रिलेटेड टू सिस्टम सिक्योरिटी नेटवर्क इंटरनेट हार्डवेयर यूजर अकाउंट्स. तो ये किससे रिलेटेड है, सिस्टम सिक्योरिटी से, नेटवर्क से, इंटरनेट के लिए, हार्डवेयर के लिए और यूजर अकाउंट के लिए. ये सब चीज़ें काम में आती है, ये आइकॉन्स काम में आते हैं. इसके बाद में एम्पलेट्स के बारे में दिया. तो एम्पलेट्स के बारे में क्या, एम्पलेट्स यानी क्या होता है, तो प्रोग्राम विच इज़ एग्जीक्यूटेड विद इन अनदर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ एम्पलेट. कंट्रोल पैनल कॉन्सिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग एम्पल्स. देखो एम्पलेट्स, एम्पलेट्स में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, पर्सनलाइजेशन आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, नोटिफिकेशन एरिया आइकॉन्स आता है, डेट एंड टाइम आता है. देन उसके बाद में हम देख रहे हैं डेस्कटॉप गैजेट्स. डेस्कटॉप गैजेट्स कैसे आते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल पैनल का. डेस्कटॉप गैजेट्स कैसे, तो डेस्कटॉप पे हम राइट क्लिक करने के बाद जो गैजेट्स ओपन होगा उसको बोलते हैं हम, ये गैजेट्स है. देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स दिए हैं डेस्कटॉप गैजेट्स. गैजेट्स आर अ स्मॉल प्रोग्राम्स बाय विच यू कैन गेट अ इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्स्टेंट एंड बेटर वे. देर आर अ सो मेनी गैजेट्स इन विंडोज 7 लाइक क्लॉक. देखो यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स दिए हैं, क्लॉक, वेदर, स्टोर, वेदर, कैलेंडर, सीपीयू मीटर, करंट, स्लाइड शो, ईटीसी. ऑल गैजेट्स आर कलेक्टेड इन अ गैजेट्स स्टोर. यू कैन डाउनलोड अदर गैजेट्स फ्रॉम इंटरनेट एंड कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम कंपनीज. तो आप और आपको अगर गैजेट्स चाहिए होंगे तो आप कंपनी से परचेस कर सकते हो. देखो यहाँ पे कैलेंडर है, क्लॉक है, सीपीयू है, करेंसी है, फीड हेडलाइंस है, पिक्चर पजल है, स्लाइड शो है, वेदर है, विंडोज मीडिया है, ये सारे गैजेट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं. तो ओपनिंग द गैजेट स्टोर, जो गैजेट स्टोर रहते हैं उसको कैसे ओपनिंग करते हैं वो स्टेप देखने वाले हैं. राइट क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट गैजेट्स ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू. देखो ये यहाँ पे आ गया. अनदर वे इज यू कैन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप गैजेट्स आइकन इन कंट्रोल पैनल टू ओपन द गैजेट स्टोर. देखो इतने सारे गैजेट्स ओपन हुए. देन गैजेट स्टोर शो ऑल द इंस्टॉल गैजेट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन सर्च एज. देखो सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं. तो ये स्क्रीन पे कैलेंडर आ गया. कैलेंडर आ गया है ना. इट इज डिस्प्ले द डेट, मंथ एंड ईयर ऑन द स्क्रीन. देखो यहाँ पे डेट दिख रही है, मंथ दिख रहा है, ईयर दिख रहा है और डे दिख रहा है. तो ये हमारा है, देखो आज की डेट दी है यहाँ पे. और हम इसको इजीली क्लोज भी कर सकते हैं. ये क्रॉस जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं. इसको लार्ज आइकॉन भी कर सकते हैं, लार्ज साइज में, मतलब उसको ओपन भी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्लॉक, ये हमारी क्लॉक हुई. ऐसे डिफरेंट टाइप के क्लॉक हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे. सो यहाँ से हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए. और हम उस पर नेम भी राइट कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे
टाइप करती हूँ एक नेम और इसको ओके कर दो। तो ये देखो ये उस पर नेम भी दिख रहा है। देन सीपीयू मीटर, सीपीयू मीटर क्या करता है, इट इज शो अ यूजेस ऑफ सीपीयू एंड रैम। आपका यूजेस और रैम कितना चला ये दिखाने के लिए किसका यूज होता है, सीपीयू मीटर का यूज होता है। ये देखो ये आपका सीपीयू मीटर शो हो रहा है, इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देन करेंसी, इट इज डिस्प्ले द इक्विवेलेंट रेट्स ऑफ अदर करेंसी अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड करेंसी। ये करेंसी शो करने के लिए होता है इसका यूज, ये होता है करेंसी के लिए। देन फीड हेडलाइंस, इट शो द लेटेस्ट हेडलाइंस एंड एट योर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हेडलाइंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन पिक्चर पजल, ये पिक्चर पजल है, पिक्चर पजल से आप गेम खेल सकते हो, पजल खेल सकते हो, जैसे आपके मोबाइल्स वगैरह में होते हैं वैसे गेम भी आप इसमें खेल सकते हो। देन स्लाइड शो, स्लाइड शो कर सकते हो, स्लाइड शो का ऑप्शन है, जो स्लाइड चाहिए वो स्लाइड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग से आप कोई भी स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हो। देन वेदर, वेदर इट कीप अपडेट विद द लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट। वेदर क्या करता है, जो जो लेटेस्ट वेदर है मतलब जैसे आज का वेदर है वो दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है, टेम्परेचर दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है। और यहाँ हम कोई गैजेट्स ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि गेट मोर गैजेट्स ऑनलाइन ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप गैजेट्स भी ऑनलाइन बुला सकते हो, ला सकते हो। देन रिमूविंग गैजेट्स, गैजेट्स को कैसे रिमूव करते हैं, ये जो क्रॉस लाइन दिख रही है इससे हम रिमूव कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू सी अ गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप यू कैन रिमूव इट बाय दिस टेक, टेक द माउस पॉइंटर ऑन द गैजेट्स टूल बॉक्स विल बी अपियर। ये देखो ये गैजेट्स टूल बार अपियर हुआ है यहाँ पे, ये क्लोज है। देन लार्जर साइज, ड्रैग गैजेट्स, क्लिक अ क्लोज बटन इन द गैजेट्स टूल बॉक्स द गैजेट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेस्कटॉप। देखो जैसे ही मैं ये क्लोज पे क्लिक करूँगी क्रॉस पे, वैसे ही वो गैजेट्स रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपको गैजेट्स के बारे में, डेस्कटॉप गैजेट्स के बारे में, कंट्रोल पैनल के बारे में, चेंजिंग डेट एंड टाइम के बारे में, सभी आज के टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।